हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंडियन किचन। और आज मैंने अपनी किचन की बहुत ही अच्छी तरह से सफाई की है, तो एक छोटा सा किचन टूर तो बनता है। सबसे पहले हम इसमें बना रहे हैं चाय, उसके बाद बनाएंगे एक बेहतरीन चिकन की रेसिपी, पेशावरी कढ़ाई चिकन। तो और एक बात भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपना किचन का कॉर्नर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से सजा के रखा हुआ है। मैंने एक तो कटलरी सेट है विद स्टैंड, वुडन स्टैंड, और एक नाइफ का सेट है विद स्टैंड। ये मैंने अमेजोन से लिया था, बहुत ही सुंदर लगता है ये कॉर्नर में और बहुत हेल्पफुल भी है मेरे को खाना बनाने के लिए। तो मैंने पेशावरी कढ़ाई चिकन बनाने के लिए इस्तेमाल किया है 600 ग्राम करी कट पीस, और उसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया है 300 मिलीलीटर प्लेन ऑयल का। तो हाई फ्लेम में इसे हम पकाएंगे, फ्राई करेंगे चिकन को, सिर्फ नमक स्वाद अनुसार डालते हुए। तो आप चाहे तो हल्का सा तेल कम कर सकते हैं, पर इस रेसिपी में ज़्यादा तेल ही पड़ता है, तो थोड़ा सा तेल आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्का सा नमक स्वाद अनुसार ऐड करते हुए हम हाई फ्लेम में चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। तो सारे पीसेस गोल्डन लगभग 10 मिनट्स में फ्राई करते हुए हो जाएंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हाई फ्लेम में हमको फ्लेम लो नहीं रखनी है, तो हाई फ्लेम में मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और लगभग सारे पीसेस गोल्डन कलर के डन हो गए हैं। तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 4 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा कट कर लेंगे क्योंकि हम इनको बॉईल करेंगे ताकि आसानी से इनका कवर उतर जाए। तो बॉइलिंग वाटर में हमने इन्हें बॉईल करना है, थोड़ी देर के बाद हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे और झटपट इसका जो कवर है वो उतर जाएगा, और फिर हम मिक्सर ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लेंगे, पर इसमें कोई भी पानी हम ऊपर का ऐड नहीं करेंगे। तो 2 टीस्पून हम गार्लिक जिंजर का पेस्ट इसमें ऐड कर देते हैं और हल्का सा फ्राई करेंगे क्योंकि तेल बहुत गर्म है। और उसके बाद हम जो हमने टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्लेम को हाई रखते हुए हम इसे फ्राई करेंगे, हल्का सा मिक्स करते हुए। चिकन मोर और लेस कुक हो चुका है और तेल भी काफ़ी गर्म है। टमाटर को थोड़ा सा हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है, आप भी स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर का डाला है। चिकन कुक हो चुका है और जो मसाले हैं सूखे हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें खूब सारी हरी मिर्च साबुत पड़ती है, पर बहुत ज़्यादा चिलीज या कोई नहीं खाएगा तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया है, आप ऐड कर सकते हैं। तो लगभग 2 टेबलस्पून मैंने दही का अच्छी तरह से फेंट लिया है और वो मैंने इसमें ऐड किया है। बढ़िया सी खुशबू आ रही है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा बहुत टेस्टी और यम्मी लग रहा है। तो इसे हम गरम गरम फुलके के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी ऐड करते हुए हम इसे बस रेडी कर लेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, तो बढ़िया सी हमारी रेसिपी तैयार है। आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स में इसे शेयर कीजिएगा।